अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नए एक वीडियो के साथ। दोस्तों मैं अपने जॉली अजीम के जो न्यूट्रिएंट फैक्ट सेक्शन के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर्ब, स्पाइस के मतलब बताता हूँ। तो आज मैंने आप लोग के लिए बहुत ही एक आजकल सीज़न में भी है अहम तरीन जो सब्ज़ कलर की सब्ज़ी होती है, फलियों फार्म में होती है, मोगरे से रखी है। मोगरे जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक जो है मुनासिब कीमत में मिलने वाली हमारी सब्ज़ी है और इसके बे इंतहा फ़ायदे हैं। जितने मैं आपको फ़ायदे बताऊँ उतने काम है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह ताला की सब्ज़ी है जो सर्दियों में स्पेशली आती है और सीज़न में भी आजकल आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैं अपनी वीडियो में आपके लिए जो है इसका एक सालन ही लेकर आऊँगा। मैंने जो डिज़ाइन किया आप लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो पथरी के जो है मरीज़ हैं, किडनी स्टोन है, पित्ते में पथरी है, जिगर उनका बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट एंड ग्लैंड बढ़ा हुआ है, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है और बवासीर के लिए बेस्ट है। तो मैं आप आने वाली वीडियो में आपको इसकी एक रेसिपी भी दूंगा। चलो दोस्तों इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपका जिगर बढ़ चुका है, जिगर सही काम नहीं कर रहा, तो आपका मुंह कड़वा रहता है। सुबह उठते हैं तो आपका मुंह कड़वा होता है, तो आपका जो है मुँह पानी से भरा रहता है हर टाइम और आपको अजीब किस्म के खट्टे मीठे जो है डकार भी आते हैं। तो आप अपनी खुराक के अंदर मोगरे को शामिल करें तो आपको ये जितनी भी आपके जिगर की प्रॉब्लम है सफाई कर देगा। और दोस्तों अगर आपका पित्ता सही काम नहीं कर रहा तो उसके लिए भी ये बेस्ट है और प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत मुफीद सब्ज़ी है। मर्दाना जो कमज़ोरी के लिए भी बहुत अच्छी है। मर्दाना जो है ग्लैंड है खूसन, जैसे मैंने बताया प्रोस्टेट का कैंसर जो, अगर वो आपका जो है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया, कैंसर का शिकार हो गया, तो इसके इस्तेमाल से आपका जो कैंसर रिड्यूस हो जाएगा। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो आप मोगरे का सलाद बना के खाएँ। डिप्रेशन आपकी दूर करता है, ज़हनी तनाव आपकी दूर करती है, आपके अंदर हार्ट जो है बड़े अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो होता है, इसके इस्तेमाल से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, अगर आर्टरीज के अंदर आपके कोई चर्बी वगैरह जमी हुई वो ख़त्म होती है, वेट रिड्यूस करता है ये। और वेट अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो फाइबर इनरिच है ये। अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे इसके सालन को तो आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी। और दोस्तों ऐसे लोग जिनकी स्किन ख़राब है, जिनके दाग धब्बे पड़े हुए हैं, ब्लड बहुत जो है गंदा उनका, तो ये ब्लड को प्योरिफिकेशन करके आपकी जिल्द को चमकदार स्ट्रेचफुल बनाता है। रिंकल्स पड़े हुए आपकी जो है बॉडी को स्ट्रेच कर देगा। प्रोस्टेट स्पेशल प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर दूर करता है, तो हर किस्म के ये कैंसर को दूर करता है। और अल्कलाइन है बेसिकली मैदे की तजाबियत को दूर करता है, खाने को हजम करता है। अगर आप इसे मुनासिब मकदार में खाएँ तो आपका खाना जो है हज़म हो जाता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो इम्यूनिटी का जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, अगर उसे खुराक के अंदर शामिल करें तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस से बच जाएंगे वो। और दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम हाई मकदार में है, विटामिन है, मैगनीज है, इसके अंदर पोटाशियम है, तो इस किस्म के सारे विटामिन जितने भी हैं इसके अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये जिस्म को हेल्थी रखती है ये सब्ज़ी। और कैल्शियम के मौजूद होने की वजह से आपके जो हड्डियाँ हैं वो भी मजबूत रहती हैं इसके इस्तेमाल से। और दोस्तों ऐसे लोग जो काला यरकान का शिकार हैं या जिन्हें पीलिया हैं यानी यरकान है, जिनकी आंखें पीली हुई हो गई हैं, तो वो भी इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी बेस्ट है। और मोगरे ऐसे लोगों के लिए भी बेस्ट है जो पेशाब के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार हैं, सुजाक है जिन्हें पेशाब की नाली में ज़ख़म है, मोगरे के इस्तेमाल से उनका जो पेशाब की नाली का ज़ख़म ठीक हो जाएगा, पेशाब खुलकर आएगा और अगर पीला आता है तो वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। जिन्हें ऐसे लोग जिन्हें बवासीर है, जो एनल डिजीज़ का शिकार है, एनल कैंसर है, जिन्हें आंतों के अंदर ज़ख़म है, कोलीन कैंसर है जिन्हें, उनके लिए बहुत बेहतरीन सब्ज़ी है ये। इस्तेमाल से उनके जितने भी आंतों के ज़ख़म है दूर हो जाएंगे, ये भी इसका एक प्लस बेनिफिट है। दोस्तों अब आते हैं, ये तो थे मोगरे के चंद जो है बेनिफिट्स, अब आते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। आपको पता है हर चीज़ एक्सट्रीम मकदार में यूज़ की जाए तो नुकसानदेह होती है। दोस्तों मोगरों के अंदर बेसिकली जो है ये देर हज़म होती है, लेकिन अगर आप किसी और सालन के साथ मिक्स करके से खाएं तो खाने में ये हज़म देती है। अगर आप मोगरों को ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है, आपको गैस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नोज़िया हो सकता है यानी मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है आपको। इस वजह से आप इसे मुनासिब मकदार में खाएं, 100 से 150 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं, या मैक्सिमम जो है एक पूरे दिन के अंदर आप 250 ग्राम इसे ले सकते हैं। तो ये इसकी जो सेफ डोज है, इसे स्पेशली आलू के साथ मिक्स करके आप खा सकते हैं, वैसे भी पका के खा सकते हैं सिंपली, लेकिन अगर आपने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स लेने हैं तो आपने इसे सिंपल वे के साथ बना के खाना है, विदाउट एनी स्पाइस के।
दोस्तों इसके अंदर फाइबर बहुत मकदार में होता है जो आपके मैदे को, जैसे मैं बता रहा था, डिस्टर्ब कर सकता है। इस वजह से आपने इसे मुनासिब मकदार में लेना है। चलें दोस्तों, ये तो थे मूंगरे के फ़ायदे और नुकसान। दोस्तों आपने इस मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से भी सब्सक्राइब करना। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें कि जलाफिस, टेक केयर।